नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेज। पीके स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर मैं उपस्थित हूँ यूपी TSSC के जो वीडियो का इंटरव्यू हो रहा है उसके क्वेश्चन लेकर। आज चौथा दिन था और डेट है 4 अप्रैल 2018। दोस्तों बहुत लोगों ने क्वेरी किया था कि सक्सी मेरे पॉइंट जो कोचिंग है उस पर फोन नहीं लग रहा है, तो मैं उन लोगों से बता दूँ कि उस पर व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं, फ़ोन उस पर नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये भी आप लोगों को साथ में बता दूं कि आज भी जो है क्वेश्चन पूरे 90 से 95% क्वेश्चन सक्सी मेरे पॉइंट के नोट से फंसा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको वीडियो पर डे जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया वो नमक का रासायनिक नाम व सूत्र पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाक का सूत्र पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन का नियम पूछा गया था। याद रखिएगा न्यूटन का जो नियम है वो 3-4 नियम है, क्योंकि जो यदि न्यूटन का नियम पूछा जाता है तो आप वो वाले न्यूटन का नियम बताइएगा जो जिसका फार्मूला है F=gm1m2/r² वाला फार्मूला वाला जो क्वेश्चन जो आंसर है उसी का वो आप लोग बताइएगा। यदि न्यूटन के गति का नियम पूछा जाएगा तो 3 नियम जो होते हैं वही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या। सिंपल क्वेश्चन, इसमें 75 जिलों से जिला है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही है, रक्षा मंत्री कौन है ये भी आपको पता है। विदेश मंत्री कौन है, कानून मंत्री कौन है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बायोडीजल किससे बनता है, दोस्तों जो जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से था उससे यह क्वेश्चन पूछा गया है। बायोडीजल वैसे जेट्रोफा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेन्नई का पुराना नाम, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। ONGC का पूरा नाम ये फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछा गया है। केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की भी राजधानी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में प्रत्येक दिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा के प्रधान को कौन निर्वाचित करता है, आपको पता है कि ग्राम प्रधान के जो निर्वाचित से सभी ग्राम सभा के सभी जो है वयस्क मताधिकार द्वारा यह निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय कौन कौन सा है, आपको पता ही है कि त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तरीय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल कितने प्रकार की होती है, तो फसल 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है, धारा 144 क्या है। देखिए धारा 144 बहुत विश्व फिलहाल में बड़ी फेमस चली है। धारा 144 में यही है कि आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते अधिक से अधिक लोग, ये इसको धारा 144 में रखा गया है। स्टीफन हॉकिंस किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए ये भी बड़ी फेमस अभी जो लेटेस्ट का क्वेश्चन है। स्टीफन हॉकिंस जो ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाया है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आज पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, आपको पता ही होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो PM होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय फिलहाल में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। सोडियम का सूत्र होता है Na। नोटबंदी की दिनांक रोक लगाने की, यानी कि कब से नोटबंदी किया गया है, तो इसका आंसर आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 से किया गया था, जो 500 और 1000 नोट पे रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम IPS महिला का नाम, तो किरण बेदी जी हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी किस जिले में है, देखिए सबसे अधिक आबादी जो है वह इलाहाबाद जिले में है। यदि सिटी पूछा जाएगा तो गाजियाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम विकास व ग्राम पंचायत के कार्यों में अंतर, देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम विकास मंत्री कौन है, भारत सरकार की 3 योजनाओं का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुद्रा का क्या नाम है, वैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, वैसे आप ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मनरेगा क्या है, मनरेगा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ कि मनरेगा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किसान योजना के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के 3 नियम, देखिए यहाँ पे 3 नियम दिया गया है, यानी न्यूटन के गति का नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का क्या कार्य होता है, वीडियो का कार्य इसमें बताया गया है अलंकार के बारे में, जिनका हिंदी सब्जेक्ट था उससे वे भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका डिफिनेशन पूछा गया है। पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है APL तथा BPL में क्या क्या अंतर है, इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन क्या है, ये पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। नरेगा या मनरेगा कब चालू हुआ, ये आप डेट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान अभ्युदय योजना के बारे में बताइए, ग्राम प्रधान की योग्यता क्या होती है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम व सूत्र इसका बताना है, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी में क्या अंतर होता है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा व ग्राम पंचायत में क्या क्या अंतर है, देखिए क्वेश्चन बहुत बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में, उत्तर प्रदेश का टोटल विधानसभा सीट या लोकसभा सीट या विधान परिषद सीट कितनी है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आरबीआई का कौन गवर्नर है इसको याद कर लीजिएगा। वित्त सचिव भी याद कर लीजिएगा, भारत का वित्त सचिव कौन है फिलहाल में। ग्राम पंचायत मंत्री कौन है इस समय आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ग्राम पंचायत मंत्री। इसके बाद इंडिया गेट व गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है महाराष्ट्र। लेसर और मेसर का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये देखिए जो है साइंस क्वेश्चन पूछा गया है। ओम का नियम पूछा गया है, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, देखिए ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या जो है उसके ग्राम सभा के ऊपर डिपेंड होती है। यदि 1000 तक ग्राम सभा में वयस्क मताधिकार हैं तो 9 सदस्य होंगे, यदि 1000 से 2000 के बीच में हैं तो 11 सदस्य होंगे, यदि 2000 से 3000 के बीच में हैं तो 13 सदस्य होंगे, यदि 3000 से अधिक होते हैं तो 15 सदस्य हो जाते हैं। इस टाइप से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, तो सारस है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश में कहाँ उपचुनाव हुए हैं ये फिर देखिए लेटेस्ट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ चुनाव उपचुनाव हुए हैं, ये दो जगह उपचुनाव हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 442 लाइस, देखिए 442 लाइस तो हमेशा पूछा जा रहा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज पूछा गया था, आज भी इस क्वेश्चन थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों से मैं बता दूं कि आप लोगों ने बहुत सारा जो कमेंट किया था सक्सेस मेरे पॉइंट कोचिंग को लेकर कि इस पर बात नहीं हो पा रही है, किस प्रकार से इसको ज्वाइन करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि इस पर बात नहीं हो पाएगी। आप केवल चैट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 8076548875 8074 54 88 75, इस पर आप चैट कर लीजिएगा, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। उसमें करीब करीब 150 प्लस लोग हो चुके हैं और सभी का जो भी इंटरव्यू जा रहा है सभी का बेस्ट इंटरव्यू जा रहा है, क्योंकि सारे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सक्सेस मेरा पॉइंट के नोट्स से पूरा का पूरा दोस्तों फंस जा रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपका इंटरव्यू है तो आप इस कोचिंग में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। केवल फीस बहुत कम है, 299 ही है, कोई बड़ी फीस नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी। यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।